ज़रा ये बताएं यार, ये जो आपने सोलर सिस्टम बैटरी के साथ इंस्टॉल किया है तो इसका 2 पंखे और 2 लाइटें वो जलाने के लिए इसका कितना बैकअप होगा इस बैटरी के साथ? देखें फजल भाई, बात यह है कि अगर आपने 1-2 पंखे यूज़ करने हैं ना तो आपके पास बैटरी बैंक ऐसा होना चाहिए, या आप किसी को अगर मशवरा देना चाहें तो ऐसी दें कि अगर हमारे यहाँ के इलेक्ट्रिक वाले की जो मेहरबानियाँ हैं वो ऐसी हैं कि अगर एक दफ़ा कोई PMT या कोई चीज़ ख़राब हो जाए ना तो 10 से 12 घंटे तक वो चीज़ रिपेयर नहीं होती। सही। तो अगर किसी के पास पैसे हैं अच्छे, वो इस चीज़ को बैकअप को अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहता है तो उसको चाहिए कि कम से कम 200 एम्पेयर तक की बैटरी ले 2 पंखे चलाने के लिए। बाकी अगर 2-2.5 घंटे वाला जो वो है टाइम है उसके लिए अगर लेनी है तो 100 एम्पेयर 135 एम्पेयर की बैटरी इनफ होती है इसके लिए। सही। अभी यहाँ जो हमने सिस्टम इंस्टॉल किया है तो मैं पहले आपको इसके पैरामीटर्स के हवाले से मैं बता देता हूँ। जी बिल्कुल, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ये बैटरी के वोल्टेज बता रहा है 12.5। सही है। ये हमारे पास अभी PV से 0 एम्पेयर है, मतलब अभी हमने PV फोटोवोल्टेक, इसको हम सोलर कहते हैं जिसे हम, ठीक है। इससे हमें फ़िलहाल एनर्जी नहीं आ रही है। अब कल ये लोड के एम्पेयर्स हैं, चूँकि लोड अभी इस वक्त हमने बंद किया हुआ है, वो भी आपको चेक करवा देते हैं, ठीक है। ये 13.8 जो है ये इसकी कट ऑफ, ये इसकी हाई वोल्टेज की कट ऑफ की सेटिंग है कि सोलर से 13.8 वोल्ट पे ये बैटरी को कट ऑफ करवा देगा। ये 12.6 जो है ये वोल्ट वो हैं कि अगर आपकी बैटरी ज़्यादा डाउन हो जाती है, बैकअप आप यूज़ करते हैं 8-10 घंटे का, 12 घंटे का, तो वो जो ट्रिप होती है, ट्रिप के बाद जब तक 12.6 वोल्टेज नहीं होंगे ये आपका सिस्टम ऑन नहीं करेगा। ये आप एरो देख रहे हैं, ये लोड की तरफ जो आ रहे हैं ऑन होने की, ठीक है। ये 10.8 वोल्ट हैं कि अगर इतने वोल्ट पे आपकी बैटरी चली जाए, ज़्यादा बैकअप आपने ले लिया, तो ये इसको यहाँ अपने इस टर्मिनल पॉइंट से यह कट ऑफ करवा देगा। इसलिए कहते हैं कि अगर आपने बैकअप यूज़ अच्छा करना है तो आप लोड के लिए जो तारें आपने लेनी है वो आपने कंट्रोलर से लेनी है, ताकि आपको फ़ायदा हो, ट्रिपिंग हो, उसके अंदर सेफ्टी हो। तो इसकी तारें कंट्रोलर के अलावा कहीं से ली जा सकती हैं? अच्छा, हाँ बिल्कुल ली जा सकती हैं। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ, ये एक टाइमर की सेटिंग होती है, इसमें आप 24 आवर्स इसको अगर रखेंगे तो ये होता है कि बेहतर सेटिंग ये कि आप इसको 24 आवर्स की रखें। टाइमर की सेटिंग को ना ही छेड़ें तो ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा। वरना वो अपने आवर्स को कैलकुलेट करके ही ऑन ऑफ करवाएगा, ठीक है। ये टोटल लोड की तरफ जो एम्पेयर जा रही है उसको काउंट करेगा। जिस तरह हमारा एनर्जी मीटर होता है इसी तरह इसकी जो है वो रीडिंग चेंज होती रहती है। अभी मैं तारों के ऊपर अगर आऊँ तो ये हमने 4 mm² जो है केबल सोलर के लिए यूज़ की है स्पोर्ट में। स्पोर्ट में हमने 6 mm की केबल यूज़ की है। ये ब्रेकर है हमारा DC का। और ये ब्रेकर किस लिए लगाते हैं? ब्रेकर देखें, मैंने आपकी बात कर रहा हूँ, मैंने ये अक्सर देखा नहीं है कि जो सोलर का काम करते हैं वो ब्रेकर सारे नहीं लगाते। देखें ब्रेकर लगाना ये सेफ्टी है, ये बहुत ज़्यादा जो है ना इसका मेजर फैक्ट होता है इसका। ये ना लगाएं तो आपकी चीज़ सेफ़ नहीं है। अच्छा, यानी कि अगर अल्लाह ना करे आगे कोई शॉर्ट सर्किट या कोई ऐसी चीज़ होती है तो ये उसको डायरेक्ट कट ऑफ कर देगा, ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा हमारा। अच्छा, यानी बैटरी को और हमारे सोलर के सिस्टम को नुकसान नहीं होगा? नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक हो। अच्छा, ये हमने लोड की तरफ जो वायर्स इस्तेमाल किया ये है हमारे पास 40-76 की वायर है, ठीक है। इस पे हमारे 2 पंखों का सिर्फ लोड है इस वक्त। इन फ्यूचर इनका जो है वो आगे मज़ीद बढ़ाने का सिलसिला है, तो इनके साथ हम मज़ीद 2 सोलर पैनल और लगाएंगे और इसके साथ 2-3 पंखों का बैकअप हम और यूटिलाइज़ कर सकेंगे। अभी आपने कितने प्लेट्स लगाई हैं सोलर की? अभी हमने आज जो है 2 सोलर प्लेट्स लगाई हैं और ये हमारे पास 160 की लॉइन कंपनी की 2 सोलर प्लेट्स हैं। अच्छा। और लॉइन कंपनी का ही हमने चार्ज कंट्रोलर हमने यूज़ किया, ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप बैकअप के हवाले से पूछना चाहें तो मैं आपको वैसे बता देता हूं। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास अगर 2 पंखे हैं, 2 पंखों के एम्पेयर्स बनते हैं तकरीबन 8 एम्पेयर या 7.8 एम्पेयर या 7.6 एम्पेयर बनते हैं। आप इसको लमसम 8 एम्पेयर काउंट करें और इसके साथ एक LED बल्ब अगर लगा दे तो ये तकरीबन 10 एम्पेयर का मार्जिन बनता है, 10 एम्पेयर बनते हैं। अच्छा। तो ये बैटरी हमारे पास चूँकि 190 एम्पेयर आवर्स की है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप। तो आपने अगर बैकअप अपना जो है इसमें टाइम कैलकुलेट करना है तो आपके पास 10 एम्पेयर जो हैं आप उसको तकसीम कर दें, मतलब डिवाइड कर दें 190 एम्पेयर के साथ, अगर मैं इसको 190 एम्पेयर एज्यूम ना भी करूँ तो मैं इसको 180 170 तो मैं इसको फैक्टर लॉस के तहत मैं इसको रखूँगा। और अगर इसके तहत आप 10 एम्पेयर का पर आवर लोड निकालना चाहें शाम के बाद से लेकर सूरज मतलब ढलने के बाद अगर लाइट नहीं आती तो उसका बैकअप ये होगा 17 से 18 घंटे 2 पंखों पे 2 लाइटों पे। ठीक हो गया। इसी तरह आपने अगर प्लस माइनस करना है मतलब लोड कम करेंगे तो आवर्स आपके बढ़ जाएंगे, लोड बढ़ाते जाएंगे तो आवर्स कम हो जाएंगे। अच्छा, अगर एक आम बंदा है वो चाह रहा है कि मैं 5 से 6 पंखे चलाऊं 2 सोलर प्लेट्स पे, तो क्या ये बैकअप देगा या उस पर बैटरी का भी डिपेंड करता है कि बैटरी मुझे ज़्यादा लगानी पड़ेगी, उसको चार्ज कर पाएगा 2 सोलर प्लेट? एक पैनल जो एवरेज जो ग्लोबल टाइमिंग होती है 9 से लेकर 3 बजे तक की समर सीज़न में, जी जी, विंटर सीज़न में इसकी टाइमिंग कुछ और होती है। अच्छा, अगर आपने एक पंखा चलाना है मिसाल के तौर पे, तो एक पंखा आप उसको काउंट कर लें 4 एम्पेयर वो लेता है डीसी एसी डीसी फैन छत वाला, ठीक है, तो एवरेज हमारे पास एम्पेयर जो आ रहे होते हैं वो 5 से 6 एम्पेयर पल्स की सूरत में हमें मिल रहे हैं, ठीक है, ठीक तो 4 एम्पेयर तो आपने एक पंखे को ही दे दिए तो हमारे पास बैटरी में क्या सेव होगा शाम के लिए। इसलिए जो मेरी जो तरजीह होती है कि मैं अपने सारिफ को या लगाने वाले को मैं ये बोलूँ कि आपने अगर 1 या 2 पंखे चलाने तो आप एटलीस्ट 2 अच्छी प्लेटें आप अच्छी कंपनी की आप लगा लें ताकि आपको कम से कम 12 से 13 एम्पेयर पीक आवर्स में 14 एम्पेयर तक भी जाता है तो 14 एम्पेयर मिलेंगे, 8 एम्पेयर आपके यूज़ होंगे, 4 एम्पेयर पर आवरली आपके पास चार्जिंग आएगी। ठीक हो गया। वही चीज़ आप शाम में उसको बैकअप के तौर पर यूटिलाइज कर सकते हैं। अब आखिर में ज़रा सा ये बता दें कि एक सोलर प्लेट का रेट आजकल क्या चल रहा है? तो मुख्तलिफ कंपनी के मुख्तलिफ प्राइस हैं और डेली बेसिस पे प्राइस जो है ना वो अप डाउन होते रहते हैं मार्केट में। अगर मैं लॉइन कंपनी की बात करूं, अगर जो मैंने इंस्टॉलेशन दिए तो होल सेल में उसकी प्राइस तकरीबन 7000 या 6900 के करीब चल रही है और रिटेलर हजरात जो है वो 7200 7300 में भी उसको सेल आउट कर रहे हैं 160 वाट की। अच्छा, और बैटरी कौन सी सजेस्ट करें? बैटरी देखिए, मैं प्रमोशन वाइज तो नहीं कह रहा लेकिन बेहतर ये होता है कि अगर आपने लॉन्ग बैकअप लेना है और ज़्यादा अरसे तक आपने बगैर परेशानी के रहना है तो बेहतर ये कि आप जो है टॉल ट्यूबुलर बैटरी ले लें क्योंकि इसके चार्ज साइकिल बहुत ज़्यादा होते हैं, 1500 से 2000 चार्ज साइकिल होते हैं। और इसके अलावा ये कि डीप साइकिल होती है, देर तक डिस्चार्ज होती है, वो जितने एम्पेयर होते हैं वो उतना ही आपको रिजल्ट देगी। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया ज़फ़र भैया, थैंक यू फजल रहमान, जज़ाकल्लाह।